कभी आपने सोचा है रेस्टोरेंट और ढाबों की तरह भी इस तरीके से सब्जियां हम घर में बना सकते हैं उनके सीक्रेट के साथ। तो आज चलते हैं मसाला किचन के अंदर इसे बनाने के लिए। आज उस ढाबे की तरह बनाएंगे मसाला भिंडी, जो कुछ खास ट्रिक से बनाते हैं, यकीन मानिए बहुत पसंद आएगी। तो आज हम भिंडी बना रहे हैं। जब भी हम भिंडी खरीदें तो खास बात का ध्यान जरूर रखें कि भिंडी जो होनी चाहिए ताज़ी होनी चाहिए, भिंडी नरम होनी चाहिए, आड़ी टेढ़ी भिंडी नहीं होनी चाहिए। वो बहुत ही टाइट होती हैं, कड़क बनती हैं, अंदर बीजा बहुत कड़क होता है, जो आप मसाला डालते हो, जो मेहनत करते हो, सब बेकार जाता है। तो भिंडी का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक ट्रिक है भिंडी के लिए, जब भी हम भिंडी को पानी से धोते हैं, उसे एक एक भिंडी को कपड़े से पोछिए जरूर, जिससे उसका लिसलिसापन कम हो जाए, चिपचिपापन कम हो जाए। तो आज है मेरे पास 300 ग्राम भिंडी। इसे ऊपर नीचे कट करके मैं सामने से चीरा लगा देती हूँ लंबाई में, जिससे मैं चेक भी कर सकूँ कि ये भिंडी बिल्कुल ठीक है, अंदर कोई कीड़ा तो नहीं है। अब इन भिंडी में एक अच्छा स्वाद आए और इसका लिसलिसापन बिल्कुल ना आए, इसके लिए मैं लूँगी बहुत थोड़ा सा नमक, बहुत थोड़ा सा हल्दी पाउडर। इन दोनों को मिक्स करके भिंडी के ऊपर डालूंगी और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं नींबू का रस, इससे इसका लिसलिसापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके पास भिंडी ज़्यादा लंबी हैं तो आप इनको दो पीस में कर सकते हैं। अब चलते हैं भिंडी का मसाला बनाने के लिए। दो टमाटर लिए हैं, एक हरी मिर्च, एक टुकड़ा अदरक का, इन्हें मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। एक प्याज है जिसे मैं बारीक काट लेती हूँ। और अब देखते हैं कि ढाबे वाले इस सब्जियों के साथ क्या करते हैं, क्योंकि ये ना कोई काजू डालते हैं ना ही क्रीम, फिर भी इनकी सब्जियों में एक अलग स्वाद होता है। तो इनका सीक्रेट है बेसन। ये 2 चम्मच बेसन ले रही हूँ, जिसे मैं खाली कढ़ाई में सेक रही हूँ। ये सिका हुआ भुना हुआ बेसन ये लोग डालते हैं, पनीर में भी डालते हैं, जिससे इनकी सब्जी काफ़ी गाढ़ी लगती है और टेस्टी भी लगती है। मैंने इसी तरीके से पनीर लबाबदार बनाया है, उसे आप ज़रूर देखिए, बहुत पसंद आएगा। इस बेसन को भून लिया है, इसे हम निकाल लेते हैं। आज मैं भिंडी को सरसों के तेल में बनाऊंगी। आप किस तेल में भिंडी को बनाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ ले रही हूँ मैं 2 टेबल स्पून सरसों का ऑयल। जब भी हम कढ़ाई में सरसों का ऑयल डालते हैं, हमारी आंखें जलने लगती हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ, जैसे ही आप कढ़ाई में ऑयल डालते हो, फटाफट से थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, जिससे क्या होगा, ये इसका तीखापन कम हो जाएगा, आंखें भी नहीं जलेंगी और ये तेल जो है जलकर बिल्कुल साफ हो जाएगा, इसका पीलापन भी बिल्कुल खत्म हो जाता है। पर हाँ, नमक डालने से एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब कभी हम बाद में सब्जी बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसमें नमक ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए नमक जब भी डालें थोड़ा ध्यान से डालें। अब तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें उन्हीं भिंडी को हमें सेकना है जिनमें हमने नमक और नींबू लगा रखा है। भिंडी को पहले थोड़ी डालें, उन्हें थोड़ा चलाएं, फिर बची हुई भिंडी को डालें। मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक इन भिंडी को सेकते रहें। देखिए इसका लिसलिसापन बिल्कुल नहीं है और भिंडी हरी की हरी हैं और ये सिक भी चुकी हैं। अब इन भिंडी को ऑयल बचा बचा कर निकाल लीजिए, क्योंकि इसी बचे ऑयल में हम सब्जी भी बनाने वाले हैं।
माना कि इस समय लॉकडाउन नहीं है, रेस्टोरेंट ढाबे सब खुल चुके हैं, पर क्या हम बाहर का खाना खा रहे हैं? नहीं ना, आज उसी ढाबे की तरह बनाएंगे मसाला भिंडी, जो कुछ खास ट्रिक से बनेगी। ये टेस्टी इतनी होगी कि इसके साथ सादी तवा रोटी भी खा सकेंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब इस ऑयल में आधा चम्मच जीरा, बहुत थोड़ा सा हींग डालेंगे। अब आप चाहें तो इसमें खड़े गरम मसाले भी डाल सकते हैं, पर मैं बाद में गरम मसाला यूज़ करूँगी जो मेरे घर का बना हुआ है। आप चाहें तो इसमें लहसुन भी बारीक करके डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। इस प्याज को हल्का गोल्डन होने तक पकाएंगे। अब यहाँ देखिए, टमाटर अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बन चुका है। ये वही बेसन है जिसे हमने भून लिया था। इसी में हम सारे मसाले डालेंगे। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर जो नॉर्मल होता है, 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। इन सबको हम मिक्स करेंगे। अब प्याज थोड़े भुन चुके हैं, इसमें हम ये मसाले व बेसन डालें। प्याज मसाले बेसन भुन रहे हैं, ये जले ना, तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है। थोड़ा भूने, फिर थोड़ा पानी डालें, ऐसे 2-3 बार हमें करते रहना है। अब ये प्याज इन मसालों के साथ बिल्कुल मिक्स हो चुका है। अब ये टमाटर का पेस्ट डालेंगे, इन्हें भी इसमें मिक्स करेंगे। अब स्वाद अनुसार नमक डालें, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल दें कुटा हुआ। अब इस मसाले को ढककर मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएं जब तक ऑयल ना छोड़े, करीब 5 मिनट लग जाएंगे। ये देखें कितना अच्छा कलर आ गया है इस सब्जी का। आप भिंडी तो डाल ही रहे, आप इसमें कोई और सब्जी भी बना सकते हैं। अब इसमें 1/4 कटोरी फेंटी हुई दही जरूर डालें, ये खास सीक्रेट होता है सब्जी का, इससे स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है होटल एंड रेस्टोरेंट वाली सब्जी है। और इसे फौरन चलाते रहें, जिससे दही बिल्कुल नहीं फटेगा। लीजिए, बन गई ना रिच सी सब्जी। अगर आप बेसन और दही एक साथ नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, या फिर 2 चम्मच मलाई भी डाल सकते हैं। अब इसे वापस थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए पकने दीजिए दही के साथ। अब ये मसाला बहुत ही बढ़िया तरीके से पक चुका है, कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है जैसी मुझे चाहिए। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसमें डालेंगे सिकी हुई कसूरी मेथी। मैं इस कसूरी मेथी को तवे पर सेक कर डाल रही हूँ, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। यहाँ डाल रही हूँ हरा धनिया, गार्निश कर रही हूँ। अब ये सिकी हुई भिंडी को हम मिक्स कर देते हैं। इन भिंडी को मिक्स करेंगे, 2-3 मिनट के लिए ढककर पकाएं, जिससे भिंडी भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो देखा आपने, बहुत ही बढ़िया नॉर्मल सी ट्रिक के साथ ये भिंडी मसाला बहुत ही बढ़िया तैयार है। मुझे यकीन है आप इस भिंडी मसाले के साथ 2 रोटी ज़्यादा ही खाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए प्लीज़।